ह्युंडई ग्रेट इंडिया ड्राइव, यानी कि मस्ती मजा और कुछ नया। इस साल क्या नया है, ये सातवां संस्करण है और इस सातवें संस्करण में हम बात करने जा रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन की, प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन, जिसको 50 साल हो चुके हैं, वो भी इस वक्त भारत सेलिब्रेट कर रहा है। एक समय था दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1972 की, जब इसको लागू किया गया था, तब हमारे यहाँ पर बाघों की अगर संख्या की बात करूँ वो करीब 1500 के करीब थी। उसके बाद एक समय आया 1989 में, जब ये संख्या बढ़कर 4300 को पार कर गई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर इन खतरनाक बाघों का जो शिकार था वो बहुत ज़्यादा होने लगा और कहानी बुरी से बुरी होती गई। लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने अपनी तरफ से कई सारे कदम उठाए हैं और हमारे देश में करीब 72 से ज़्यादा टाइगर कंजर्वेशन फॉरेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी का फ़ायदा देख लीजिए कि जो आखिरी सेंसस हम देखा गया था, हर 4 साल में एक बार सेंसस होता है, जो आंकड़ा जो है करीब करीब 4000 के पास पहुंच गया। तो ये तो नंबर्स की बात थी, लेकिन शायद आप इन नंबर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे इन टाइगर्स में, वो भी उनके नेचुरल हैबिटेट में। और ऐसा ही कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस ग्रेट इंडिया ड्राइव के फर्स्ट लेग में, और हम चलेंगे बांदीपुर। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड अ वैल्यू एडिशन फॉर यू व्हेन यू टॉक अबाउट टाइगर्स। ग्रेट इंडिया ड्राइव हमारे लिए हर साल एक मौका होता है अपने इस खूबसूरत से देश को और ज़्यादा पास से समझने का। और यकीन मानिए, अगर आप खुद को समझना चाहते हैं, अपनी गाड़ी को समझना चाहते हैं, तो यू नो द बेस्ट वे इज़ टू गो आउटडोर्स। देयर इज नथिंग लाइक यू नो गोइंग आउटडोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग फर्स्ट हैंड। और यहाँ पर हम फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंड करने इस बार निकले हैं ह्युंडई की एक्सटर को भी। टीप इंक्लाइन पर ये गाड़ी इतनी खूबसूरती से चढ़ गई, 1.2 लीटर का इसका इंजन, लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि पावर की कहीं पर कहीं कमी खली है। इसका AMT मुझे इतना स्मूथ लगा पूरे रास्ते में, टर्न एंड ट्विस्ट जितने भी मिले, ऑल द वाइल दिस कार वाज इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। छोटी गाड़ी लगती है, लेकिन ये छोटी गाड़ी भी आपके रेगुलर कम्यूटिंग से हटकर आउटडोर्स में भी आपका पूरा साथ दे सकती है। चार बंदों को कहीं भी लेके जा सकती है, जितना मर्जी लगेज डाल लो उसको भी अपने साथ उठाकर ना लेकर जा सकती है। व्हाट ऑल यू नीड। ह्युंडई के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे देश के कल्चर और हेरिटेज के साथ बड़ी स्ट्रांगली जुड़े हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां वार्षिक महोत्सव है। 1973 फर्स्ट अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी। उस वक्त हमारे देश में केवल 2000 के आसपास टाइगर रह गए थे। आज इन 50 सालों में हमने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर दिया, करीब करीब 4000 टाइगर हैं। पर अभी भी लगता है कि 1900 के दशक में जब हमारे देश में 40000 टाइगर थे, हम कहीं ना कहीं पर अभी भी उस लेवल से नीचे हैं। तो आज एक्स्टर के माध्यम से, ह्युंडई के माध्यम से और ग्रेट इंडिया ड्राइव के माध्यम से हम एक अपने दर्शकों को और भारत की जनता को ग्रेट इंडिया के बारे में बताना चाहते हैं कि कैसे हमारा देश इतना महान देश है, इतना उज्ज्वल देश है कि यहाँ पर कल्चर, हेरिटेज और टेक्नोलॉजी का जो समन्वय है वो आज हम इसके थ्रू पेश कर रहे हैं। टाइगर बीइंग एन एपेक्स प्रेडेटर, जस्ट नाउ यू मेंशन्ड, सो इट एंश्योर्स दैट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज इन परफेक्ट बैलेंस। Wherever the forest ecosystem is healthy, you will find tiger as the apex predator there, because that means that everything, including the grasses, the trees, the plants, are all in a healthy balance, and they're also healthy and good number. And then there is a good prey population. That means apne hiran ye pure acche number mein hai, aur uske wajah se predator ka population bhi acha balance mein rahega. टाइगर के नीचे दो प्रेडेटर है इंडियन जंगल में, एक है जंगली कुत्ता दैट इज़ वाइल्ड डॉग, और एक है तेंदुआ दैट इज़ लेपर्ड। सो ये दो भी है को प्रेडेटर्स, वो भी अच्छे नंबर में है। उसके ऊपर सबसे ऊपर बैठता है टाइगर, एपेक्स प्रेडेटर बोलते हैं इसको। सो व्हेन यू प्रोटेक्ट द टाइगर, यू आर प्रोटेक्टिंग दैट एंटायर इकोसिस्टम, पूरी जंगल का प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए टाइगर सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट एनिमल है।
दोस्तों ये तो सिर्फ एक टीजर था, पूरी कहानी अभी बाकी है। जागरण हाईटेक बहुत जल्द फिर मिलेगा एक्सटर के साथ। एक्सप्लोर करेंगे अपने देश की नेचुरल वेल्थ और जानेंगे टाइगर कंजर्वेशन के कुछ अनछुए पहलू। अंटिल देन टेक केयर, शो अस योर लव, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।